तो मतलब सीधा सा कहने का मतलब है जनता मरती है तो मरती रहे, जब तक पुरानी पाइप नहीं सुधरेगी तब तक कुछ नहीं देना है, जनता जाए भाड़ में। क्योंकि पाइप लाइन बहुत पुरानी नहीं, ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं हम, ये पूछ रहे हैं कि जो काला पानी है वो आप पी सकते हैं। वार्ड नंबर 7 पानी क्यों नहीं मिल रहा बतावा भैया, एक सवाल और जरूर पूछना चाहेंगे आपसे, जब अभी यहाँ पर आए तो आप यहाँ से नदारद होते क्यों दिखे? भर्ती बताए मतलब आप ही मानते हैं घूस दिए हैं उसमें। उन्होंने कहा कि 1000 रुपए लगेगा और नया कनेक्शन चालू हो जाएगा, आरू का पानी चलेगा, आरो का पानी क्या और नाली का पानी चलने लगा, पनियों नहीं मिल रहा है। सारा का सारा काम कॉन्ट्रैक्टर करेंगे कि आप लोग भी कुछ करें। 8 साल हो गया, कितना वक्त लगना चाहिए पेज जल लाइन बिछने में, कितना समय लगना चाहिए? कोई भी नहीं बिछ सकता, महीन मैं भी तो इंसान हूँ, कर्मचारी हूँ, लेकिन 8 वर्ष से ये योजना चल रही है, 651 लाख रुपए की ये भारी भरकम योजना है। तो है तो है, कृपया नारेबाजी ना करें। मतलब ये मान चुके ना कि खराब है, बिल्कुल खराब, पूरी तरीके से खराब है, इसलिए नए संचालन के लिए जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। हाँ। आपके सिस्टम के द्वारा सीधी सी बात ये है, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, उसके लिए आप सबको खड़ा होना होगा। राइट बात, राइट बात आपने कहा। वार्ड नंबर 7 पानी क्यों नहीं मिल रहा बतावा भैया, चाकघाट नगर परिषद के अंतर्गत पानी की व्यापक समस्या देखने को मिल रही है और यहाँ पर एक कर्मचारी महोदय, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हर बार जब हम भ्रमण के लिए गए तो पानी की व्यापक समस्या है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नवीन पेयजल अभी संचालन करने के स्थिति में अभी कॉन्ट्रैक्टर ने बोला है कभी तत्काल 15-20 दिनों में नगर की पेयजल समस्या समाधान कर दिया जाएगा। और उसी पेयजल सुरक्षा के लिए आपने आपके विभाग के द्वारा रोड के दोनों किनारे पर नालियां खुदवाई गई हैं, वो भी कहा जा रहा है कि 1 महीने पहले की नालियां खुदी हैं लेकिन अब तक पार्टी भी नहीं गई है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब चूंकि कॉन्ट्रैक्टर ने खुदवाया था उस नालियों को पेयजल, तो वही आके वो पटवाएंगे, वो वही बोले हैं। आप विभाग में किस पद पर हैं? हम तो पेयजल व्यवस्था प्रभारी पर। तो सारा का सारा काम कॉन्ट्रैक्टर करेंगे कि आप लोग भी कुछ करेंगे? हमारे अंदर जितना आता है जहाँ के दिक्कतें होती है आपके अंदर क्या कराते हैं? आपके अंदर क्या आता है? हैंड पंप सुधार कराना है, पेयजल का जहाँ का पाइप लाइन टूटी वो सुधार करवाना होता है भाई। और उसके अतिरिक्त अगर जनता मरती है तो मरती रहे, आपने आवाज उच्च अधिकारी को हम सूचना देते हैं को आके व्यवस्था तत्काल देके उसमें सुधार करवाएं। कितनी बार सूचना है अभी तक दी गई? कई बार दिया है। तो क्या कार्रवाई हुई? अब कार्रवाई इंजीनियर और सीमो मैडम के द्वारा ये बताया गया है कि नवीन पेयजल व्यवस्था तत्काल चालू कराया जाए। तो तत्काल तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 6 महीने से 8 महीने से 1 साल से तत्काल हो रहा है, अभी तक पाइप लाइन बिछी है वहाँ तक जो है पेयजल नवीन जो है चालू करा दिया जाएगा। 15 दिनों से जो है हर वार्डों में और कर्मचारियों के द्वारा जो है सूचना घर घर जाके ये दी जा रही है कि पेयजल नवीन जो है आप कनेक्शन आके करा, चूँकि कनेक्शन कम होने के कारण से जो है नवीन पेयजल व्यवस्था नहीं चालू हो पाए थे। नगर के लोगों ने सिर्फ 155 कनेक्शन किया जिसमें उसको संचालन के लिए कम से कम 500 कनेक्शन चाहिए ताकि पाइप। तो ये बात कह दी कि 500 कनेक्शन जब तक नहीं होंगे तब तक नवीन पेयजल नहीं चालू होगा, तो क्या जिन लोगों ने कनेक्शन लिया हुआ है तो उनकी क्या मतलब गलती है जिसकी वजह से उनको पानी नहीं मिल रहा है? अब ये है कि यहाँ की पुरानी जो है पाइपलाइनें भ्रष्ट हो चुकी है, है ना, जब भी अपन सुधार करते तो कहीं ना कहीं से डैमेज हो जाती है, इसीलिए जो नया संयंत्र संचालन किया गया है फिल्टर प्लांट में उसके संबंध में जो है विचार विमर्श किए। किसकी गलती है जी? गलती किसकी है? अब ये तो पेयजल व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट नहीं, पेयजल व्यवस्था प्रभारी ही है ना। 8 साल हो गया, कितना वक्त लगना चाहिए पेयजल लाइन बिछने में, कितना समय लगना चाहिए? उच्च अधिकारी से बात करके क्लियर किया जा सकता है, ठीक है ना। अरे वो काला पानी जो मिला था जी, और हाँ जो काला पानी यहाँ के लोगों के द्वारा हमें भी दिखाया गया, तो क्या वो पानी आप स्वयं पी सकते हैं? क्योंकि पाइप लाइन बहुत पुरानी नहीं, ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं हम, ये पूछ रहे हैं कि जो काला पानी है वो आप पी सकते हैं? कोई भी नहीं पी सकता, मैं भी तो इंसान हूँ, कर्मचारी हूँ, लेकिन जितना सुधार किया अब चूंकि पुरानी हमारी पाइप लाइन भ्रष्ट हो चुकी है और नई के लिए जो है दिक्कतें यही है कि लोग नगर के नागरिक लोग कनेक्शन कम किया रहे हैं। तो मतलब सीधा सा कहने का मतलब है जनता मरती है तो मरती रहे, जब तक पुरानी पाइप नहीं सुधरेगी तब तक कुछ नहीं देना है, पाइप लाइन जनता जाए भाड़ में। पाइप लाइन में पानी का संचालन विगत 15 दिन के अंदर कराया जा रहा है, ऐसा अधिकारियों को निर्देश प्राप्त हुआ है मुझे। विगत 15 दिनों में कितनी जगह पर पानी उपलब्ध कराया आपने? कितनी जगह पर? जहाँ जहाँ पर नई पाइपलाइन नहीं है वहाँ मैं बात पूछ रहा हूँ कितनी जगह पर किया गया है। 1 से 15 बार के बीच में जहाँ तक पाइपलाइन बिछी है नवीन,
वहाँ तक पानी का संचालन 15 दिन के अंदर कर दिया। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, इन जगह पर हम भ्रमण करके अभी आ रहे हैं और वहाँ के लोगों का पीने का पानी जो है तो शायद जानवर भी पी नहीं सकता है। तो वही तो हम भी कह रहे हैं श्रीमान जी, नई पाइप लाइन से 15 दिनों का निर्देश प्राप्त हुआ है मुझे कि जो है आप लोग नागरिकों को जो है प्रोत्साहित करके कि आप नवीन कनेक्शन ले। पूर्व में जी सीएमओ द्वारा जी 4 दिन का वक्त मांगा गया था और आज 10 दिन हो गया। हम लोग करीब 10 दिन पहले तालाबंदी कर चुके हैं, उसमें कुछ नहीं हुआ। SDM साहब ने आश्वासन दिया, DM साहब ने दिया, इंजीनियर साहब ने दिया, CMO साहब ने दिया और सब कर्मचारियों ने जी। अभी तक कोई सुचारू व्यवस्था चालू नहीं हो सकी और ये 8 साल की योजना है, ये 8 वर्ष हो गए कि 8 वर्ष से ये योजना चल रही है। 651 लाख रुपए की ये भारी भरकम योजना है। 651 लाख माने 6.5 करोड़, 6.51 करोड़। हाँ, तो इतनी बड़ी योजना है ये और ये विगत 8 वर्षों से चल रही है और ये ऐसा मौका है, बड़ा आश्चर्य की बात है कि कार्य क्या पूरा हुए बिना, कार्य पूरी तरह से हुआ नहीं। सड़कें ठेकेदार को तो ये कहा गया था, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि जहाँ की सड़कें खोदेंगे चाहे वो मार्ग रोड मुख्य मार्ग हो या संपर्क मार्ग हो या नाली या गली मार्ग हो, जहाँ भी सड़कें खोदी जाएंगी खोद के पाइपलाइन डाली जाएगी, उसके बाद सड़क को हुबहू उसी तरीके से जहाँ सीमेंटेड वहाँ सीमेंटेड सड़क बनाई जाएगी। लेकिन एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहाँ सड़क बनाई गई हो, उसी तरह से खुदी पड़ी हुई हैं, लोग गिर रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, वाहन गिर रहे हैं, लोग गिर रहे हैं और योजना पूरी नहीं हुई और भुगतान पूरी तरह से कर दिया गया है। योजना नहीं हुई, उद्घाटन हो गया, उद्घाटन कौन कौन किया? माननीय विधायक, माननीय सांसद महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्जी तरीके से झूठी वाहवाही लेने के लिए। एक सवाल और जरूर पूछना चाहेंगे आपसे, जब अभी यहाँ पर आए तो आप यहाँ से नदारद होते क्यों दिखे? देखिए ऐसा है कि हम जहाँ पे गेटवाल, जहाँ पे पुरानी अपना सिस्टम खराब है, हम उसको ध्वस्त करा रहे हैं। जी भर्ती है, क्या बता सकते? अरे घोष दे के भर्ती है, क्या बता सकते? ये सीधा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मतलब आप भी मानते हैं घूस दिए हैं? हमने जब हम ऐसा क्यों कहे कि हमने घूस दिया है? नहीं, जब आप ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी होगी तब वो कह रहे हैं, इसका मतलब आप उनकी बात से सहमति दे रहे हैं? उनकी बात से सहमत नहीं, जैसा हमारा जो कर्तव्य है हम अपना कर्तव्य करते हैं, है ना? कि पाइप लगा दिया उसके बाद पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, जानते नथिंग पानी जाने विस्तार करने का हमारा काम ठीक है सर। हमारा जो है आपके हमने हमसे कहा गया कि आरोप पानी किस बार से है? बार नंबर 4। आरोप कब आपने लिया कनेक्शन? कनेक्शन 10 साल से लिए हैं जी। उसमें इन्होंने कहा कि 1,000 रुपए लगेगा और नया कनेक्शन चालू हो जाएगा, आरू का पानी चलेगा। आरो का पानी क्या और नाली का पानी चलने लगा जी, पनियों नहीं मिल रहा है जी। क्या कहेंगे जी? आप कुछ अधिकारी से बात किया जा सकता है इस संबंध में? इतनी देर क्यों हो रही है, क्या कारण है, वजह वही स्पष्ट कर पाएंगे जी। यहाँ पर जब हम लोगों से बात किए, उच्च अधिकारी तो जो है तो है, कृपया नारेबाजी ना करें, तो लोगों से जब हम बातचीत करते हैं, जब वो 181 में शिकायत करते हैं, जब नगर परिषद में शिकायत करते हैं और शायद आपसे भी शिकायत करते हैं, तो उसके बाद शिकायतों को बंद करने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि हजारों आरोप आपके और आपके विभाग के ऊपर लगे हैं, ऐसा आप यहाँ से बच नहीं सकते हैं? हम बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जितना हमको दायित्व मिलता है, जितना कार्य होता है हम उतना कराते हैं। तो फिर किसकी गलती है? अब गलती सिस्टम के, चाहे आप मैडम से आप बात कर सकते हैं, आप मैडम से भी एक बात अपनी बातों को देख सकते हैं। आखिर कहीं ना कहीं आपकी भी तो गलती होगी ना? हमारी गलती यही है, हम जितना कार्य हमें दिया जाता है कौन हैंडपंप का और पेयजल से संबंधित, उतना हम अपना कार्य पूर्ण तरीके से कराते हैं। ये जो कार्य हो रही है आपके अंतर्गत हो रहा है, कितने सालों से ये जगह खुली पड़ी थी? यहाँ से पानी को घुमाया जाता है जी और पानी का संचालन किया जाता है। तो फिर भी ये कितना समय से खुला हुआ रहा है? आखिर आज जब बंद कर रहे हैं तो पहले खुला रहा होगा तब बंद कर रहे हैं, तो कितने समय से ये खुला था? चैम्बर है ये हमेशा के लिए, चैम्बर तो है वो तो हम भी देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो आज सीमेंटेड आप करवा रहे हैं, सीमेंटेड पहले से ही था, उसमें प्लेट लगा हुआ था, उसमें घुमाने की दिक्कत, उसको बनवाया गया है। तो ये मुरुम वगैरह जो डलवा रहे हैं, जो मतलब
तो ये क्यों डलवा रहे हैं, आखिर कोई तो कारण होगा ना डलवाने का। कारण ऐसा है कि देखिए यहाँ पे घुमाने के लिए दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे एक पाइप डाल के उसको सही तरीके से संचालन करने में दिक्कत में, इसलिए उसको सुधार करा के बनाया जा रहा है। ये कितने दिनों से दिक्कत हो रही थी? दिक्कत लगभग एक हफ्ते से हुई है। कब से? एक हफ्ते से। एक हफ्ते से? एक हफ्ते से पहले सब सही था, पानी लोग नहीं पा रहे हैं, दो महीने से दिक्कत हो रही है। आगे आइए थोड़ा सा, वही नगर में तुम भी रहते हो, आगे आ जाइए। एक महीने, चार महीने पानी लोग नहीं पा रहे हैं। आप पेयजल, पेयजल के लिए मैडम से बात कर सकते हैं? मैडम कौन होते हैं जो हमारे, अभी तुम कह रहे हो क्या हमारा हमारे आपने कहा ये बात कही आपने कि इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप इसका निर्वहन कर रहे हैं, अब मैडम कह रहे हैं क्या? देखिए ऐसा है, आप अपनी बातों पे स्वयं ही काम नहीं हो पा रहे हैं, आप गलत चीज है, करोड़ों रुपया खर्चा हो गया। वो उच्च अधिकारियों का काम है कि कहाँ पे कौन सी योजना किस तरीके से क्रियान्वयन किया गया, कहाँ कहाँ पे दिक्कतें हुई उनको अवगत है, आप उनसे एक बार इस बात पर बात कर सकते हैं। आप मतलब पूरी तरीके से गैर जिम्मेदार हैं? गैर जिम्मेदार हैं, किसी वही बता जिम्मेदारी है, हमको मिलता है काम, वही तरह से आए हैं जो घोष दे के आए हैं, अब इनको सुनना है किस तरह सुनना है, ये पब्लिक के ऊपर है ना डिपेंड। कुछ आरोप ये भी लगे कि पैसा भी देना पड़ता है, घूसखोरी भी देनी पड़ती है, क्या कहेंगे इसके संबंध में? कितने सवाल हैं, कितने प्रमाण पत्र आप... को नगर पंचायत में पैसा देना पड़ता है, वो तो अलग विभाग है, हम जल विभाग की अभी हाँ। बात कर रहे हैं जी जी। तो हजारों आरोप हैं, हजारों लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, पानी मिल रहा है तो काला पानी मिल रहा है, जो आप भी स्वीकार कर रहे हैं। पुरानी व्यवस्था जो बनी हुई थी वर्षों की, पूरी तरीके से कहीं न कहीं खराब है, जिसको जिसके तहत जो है नवीन, मतलब ये मान चुके ना कि खराब है, बिल्कुल खराब, पूरी तरीके से खराब है, इसलिए नए संचालन के लिए जनता को मरने के लिए छोड़ दिया गया है आपके सिस्टम के द्वारा। सीधी सी बात ये है, हेलो, तो आप देख सकते हैं ये हकीकत है। एक बार शासन प्रशासन के पदों पर आ जाने के बाद लोगों के प्रति कोई जिम्मेदारी शेष नहीं रहती है, लोग काला पानी पीने के लिए मजबूर हैं, लोगों के घर में पानी नहीं आ रहा, नहाने के लिए पानी तक पैसे से व्यापार करके खरीदा जा रहा है, और इसके साथ ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। उसके बाद भी अधिकारियों कर्मचारियों का यही कहना है, उच्च अधिकारी जाने, नगर परिषद अध्यक्ष जाने, हम क्या जाने, 500 कनेक्शन मिलने चाहिए, कितना झूठ बोलोगे, सुधार कब होगा, सवाल ये है, और कब सुधार होगा हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, अपनी आवाज आप स्वयं उठाइए तभी आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कोई मीडिया चैनल, कोई अकेला व्यक्ति आपकी समस्याओं का समाधान किसी भी तरीके से नहीं कर सकता है, उसके लिए आप सबको खड़ा होना होगा। राइट बात, राइट बात आपने कहा। देखते रहिए द खबरदार न्यूज, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। हम लोग नगर पालिका